ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। तो जैसा कि मैंने आपको क्लास में ये चीज़ें सब डिस्कस की हुई है, तो ये जो टॉपिक है हमारा प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया, जो भी जैसे आपको मैंने बताया होगा क्लास में, कि ओवरऑल जो आपका सिस्टम बनता है उसमें एक इनपुट फेस होता है, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है उसकी, है ना। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा व्हेन इट्स चेंजेज इनटू अ प्रॉपर फॉर्मेट देन इट्स बिकम्स आउटपुट। तो प्रोसेस में हमारे, है ना, जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया होगा आपको, प्रोसेस में ओवरऑल एक्टिविटीज, इस इनपुट डेटा को हाउ शुड बी यूटिलाइज्ड, है ना, व्हाट एक्टिविटीज शुड बी डन इन इट, इनपुट डेटा को हमें कैसे यूज करना है, ठीक है। तो क्या था, इट डिस्क्राइब्स हाउ टू यूज इनपुट डेटा स्ट्रेटेजिकली इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू रिक्वायर्ड आउटपुट। ये आउटपुट कन्वर्ट करने में इस डेटा को कैसे इसको प्रॉपरली यूज करेगा, क्या एक्टिविटीज करेगा, व्हाट शुड बी द स्टेप्स, ये सब इसमें है ना शुड बी स्पेसिफाइड। व्हाट शुड बी डन टू यूटिलाइज अवेलेबल इनपुट टू जनरेट एन आउटपुट, मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एनालाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस यूज्ड टू एन आउटपुट इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इट इज आफ्टर ऑल अ प्रोसेस ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटिंग एनालाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस यूज्ड टू एन आउटपुट, कि आपको जो इनपुट डेटा है हाउ शुड बी इट यूज्ड, है ना, अंटिल अनलेस इट इज गिवन टू आउटपुट इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये अब क्लियर हो रहा होगा, राइट। इसके बाद हमारा आता है इनपुट आउटपुट डिजाइन। तो इनपुट डिजाइन में जो भी हम, जैसे कोई भी सिस्टम हम ओपन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले हमें एक इनपुट फेस इंटरफेस ओपन होता है, है ना। तो जो इसकी डिजाइनिंग है, इसकी डिजाइनिंग जो डेवलपर्स होते हैं करते होंगे, कि हाउ योर डेटा शुड बी यूज्ड, कैसे आप उसमें डेटा इनपुट करोगे, है ना। जैसे आप कहीं पर, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैंने बताया था पीएनआर सिस्टम है, हम कहीं पर रेलवे में पीएनआर चेक करते हैं कि हमारा सीट कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है, तो उसमें डालते हैं पीएनआर नंबर डालते हैं, है ना। तो अगर हम उसमें कुछ बाय द वे उसमें हम कुछ और डाल देंगे, कैरेक्टर डाल देंगे, तो इट विल नॉट टेक, ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना, ये आगे उसे इस इनपुट को लेगा ही नहीं, कन्वर्ट नहीं करेगा, है ना। तो इनपुट डिजाइन में ये सारी इसमें एक्टिविटीज हमारी होती हैं, कि दैट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। जैसे आपको मालूम है कि भाई हमारा जो सिस्टम है कंप्यूटर है, हमारे किसी लैंग्वेज में, पर्टिकुलर लैंग्वेज में तो वो ऑपरेशन करता नहीं है, इट एक्ट्स इनटू क्या, ए पर्टिकुलर इसकी लैंग्वेज है, सिस्टम लैंग्वेज है, वो सिस्टम लैंग्वेज क्या है, बाइनरी है, ऑल ऑपरेशंस आर डन इनटू ओनली बाइनरी नंबर्स जो कि 0 और 1 है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इनपुट ये कितना टाइम लेगा कन्वर्ट करने में, है ना, जो भी आपने डेटा इनपुट कराया है ना, तो कन्वर्ट इट इनटू द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करेगा। इट इज नेसेसरी टू गेट करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा दैट इज फेड टू द कंप्यूटर, है ना। इसको प्रॉपर आपके इनपुट जो आप सप्लाई कर रहे हो, इसको प्रॉपरली क्या करेगा, इसको इंटरप्रेट करेगा, है ना, प्रोसेसिंग यूनिट को देगा, आगे कन्वर्ट करके देगा इनटू द सिस्टम लैंग्वेज में। कन्वर्ट इंटर डेटा इनटू यूजेबल फॉर्म दैट कैन बी इजीली रीड एंड इंटरप्रेटेड। तो रिक्वायरमेंट ऑफ इनपुट डिजाइन क्या होना चाहिए, इट शुड बी सिंपल एंड ईजी टू यूज। ये जो भी जो डेवलपर्स हैं, जो भी सिस्टम को, है ना, जो हमारे एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं ना, दे शुड बी डिजाइन प्रॉपरली, ठीक है। इट शुड बी सिंपल एंड ईजी टू यूज, इट शुड अवॉइड एक्स्ट्रा स्टेप्स, इट शुड अवॉइड डिले इन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, है ना।
जैसे पता चला आपने डेटा इनपुट करा दिया, अब इट इज़ नाउ टेकिंग मोर टाइम, ये आगे प्रोसेस ही नहीं कर रहा है, देन व्हाट इज़ द यूज ऑफ इट, है ना। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एटीएम का एग्जांपल दिया, तो वो भी एक सिस्टम ही है, हम लोग जाते हैं यूज करने। अब आपने फॉर एग्जांपल विदड्रॉ करने के लिए आपने डाला अमाउंट, है ना, 4000, अब आपने डाल दिया, एंटर करा दिया, अब वो उसको रीड ही नहीं कर पा रहा है ना, अब उसको रीड करने में टाइम लगा रहा है। या आपने डाले 4000 रुपीज़ और उसने जो है विदड्रॉ कर दिया 2000 रुपीज़, देन वॉट इज इट मीन्स इट इज़ नॉट इंटरप्रेटिंग इनपुट डेटा, दिस सिस्टम इज नॉट इंटरप्रेटिंग द डेटा, वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है ना। तो दीज आर शुड बी, ये सब डिजाइंस जो है पहले से करनी पड़ती हैं, है ना। तो दीज आर दी फीचर्स रिक्वायरमेंट टू इनपुट डिजाइन, इट शुड अवॉइड एक्स्ट्रा स्टेप्स, इट शुड अवॉइड डिले इन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इट शुड बी एरर फ्री, देयर शुड नॉट बी एनी एरर, आउटपुट डिजाइन, है ना। जैसे आपका सिस्टम पूरा आप देख रहे हो, नीचे इनपुट डिवाइस, बीच में ये मेमोरी है, सीपीयू है, और इट इज आफ्टर प्रोसेसिंग योर डेटा देन इट इज गोइंग टू द आउटपुट डिवाइस, वी कैन से इट, वी कैन यूज इट फॉर अवर अवर डिसीजन मेकिंग एनी पर्टिकुलर यूज। सो आउटपुट डिजाइन प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिक्वायर्ड आउटपुट फ्रॉम द एंटर डेटा, है ना। आफ्टर इनपुटिंग द डेटा इट विल प्रोसेस, इट विल बी चेंज और एक्टिविटी शुड बी इन्वॉल्व्ड व्हेन डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड, है ना। सिस्टम में डेटा आपका प्रोसेस होगा, ठीक है, ये बीच में चाहे वो मेमोरी से डेटा को आपको उठाए या डेटाबेस से उठाए या आपने जो सप्लाई किया है, जैसे कि मैचिंग, वैलिडेटिंग, है ना, ये सब जो है एक्टिविटीज होंगी प्रोसेसिंग में, कन्वर्टिंग, ये सब प्रोसेसिंग में होगा। भाई आपको जो आपने डेटा सप्लाई किया है ना, इसको इसको प्रॉपरली जो है यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करना है ना। तो बिकॉज आफ्टर विदाउट एनी प्रोसेसिंग द डेटा आपकी वो इंफॉर्मेशन नहीं बनती और ना ही कोई उसका प्रॉपर यूज हो पाता है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिक्वायर्ड आउटपुट फ्रॉम द एंटर डेटा टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर्स, ठीक है। भाई आपका जो आउटपुट मिल रहा है आपके सिस्टम से, आपके वो अगर यूज का नहीं है, है ना, आपका जो जो एम है सॉल्व नहीं हो रहा है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ द सिस्टम देन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एटीएम का एग्जांपल दिया था, अब आपने डाला 4000 रुपीज़ टू विदड्रॉ और ये डिस्पर्स कर रहा है आपको जो 2000 रुपीज़, देन व्हाट इज द यूज ऑफ इट। आई थिंक दिस इज सम एरर इंटरप्रिटेशन में या कन्वर्टिंग में या प्रोसेसिंग में, है ना। देयर शुड सम एरर, यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है ना। तो आउटपुट डिजाइन सिस्टम की ऐसी होनी चाहिए, है ना, विच मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर्स, इट शुड सर्व द इंटेंडेड पर्पज ऑफ इट्स यूजर्स, योर पर्पज विल बी सॉल्व्ड, द राइट अमाउंट ऑफ डाउट आउटपुट एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस। आपको जो भी जितना भी आप जिस फॉर्मेट में आउटपुट चाह रहे हो, सिस्टम उसी फॉर्मेट में, है ना, उसी टाइम में एट द राइट अमाउंट ऑफ आउटपुट आपको मिले, देन आवर सिस्टम इज देन यूजफुल, राइट। तो दीज ऑल द डिजाइंस आर मेड, ये सब हमें डिजाइन जो है करना पड़ता है, आउटपुट डिजाइन, अब इसके बाद प्रोसेस लाइफ साइकिल, है ना। इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया था ना, स्टेप्स ऑफ व्हेन योर डेटा इज इनपुट टू द सिस्टम, तो जो बीच का जो प्रोसेस है ना, जो सीपीयू हमारा प्रोसेस करता है इनपुट डेटा को, सो उसके जो फेसेज हैं, जो उसके स्टेप्स हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोसेस लाइफ साइकिल। जैसे क्या है, मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनिशियल, इंटरमीडिएट एंड फाइनल स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनी प्रोसेस। उसकी कुछ इनिशियल स्टेजेस हैं, इंटरमीडिएट स्टेज है, इन फाइनल स्टेज है ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी प्रोसेस। जैसे कुछ भी, जैसे एटीएम का एग्जांपल लें हम लोग, तो उसमें जैसे आप डेटा को इनपुट कराया, अब वो वैलिडेट कर रहा होगा, अंदर चेक कर रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिस्टम लैंग्वेज में चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा डेटा को, इनपुट डेटा को, है ना। सिस्टम उसे इंटरप्रेट करेगा, अंदर समझेगा कि व्हाट यू एक्चुअली यूजर वांट, देन
देन योर प्रोसेस बिगिंस। कहाँ से? वैलिडेट करेगा, चेक करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, फिर इंटरमीडिएट जो होगा एक्टिविटीज वो करेगा। जैसे आपने 4000 रुपये विदड्रॉ किया तो वो 4000 ही करेगा वो, है ना। अब इस प्रोसेस में स्पेसिफाई करना है ये कि कैसे कैसे करेगा, किस डिनोमिनेशन के करेगा। 4000 अगर आपने किया है तो वो 2000 के नोट्स में देगा, या 500 के नोट्स में देगा, या 200 के देगा, है ना, या मिक्स करके देगा, है ना। तो ये जो प्रोसेसिंग हो रही है, तो दिस कैन बी अंडरस्टैंड लाइक दैट इनिशियल, इंटरमीडिएट एंड फाइनल स्टेज ऑफ ग्रोथ, है ना। ये प्रोसेस के 3 स्टेप्स हो सकते हैं। लाइक इट इन्वॉल्व्स ऑल प्रोसेसेस फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड ऑफ द एनी वर्क फ्लो इन द सिस्टम। ये इसके स्टेप थे, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, चेंजेस, इवेल्युएशन, है ना। तो प्रोसेस जो लाइफ साइकिल के क्या, जब सिस्टम आपको जो ये बनता होगा, है ना, जो सिस्टम में हमें स्पेसिफिकेशन देने होते होंगे कि भाई हमें इनपुट डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, कितना टाइम लगेगा, क्या वैलिडेशन होंगे, राइट। तो इसकी प्लानिंग करनी पड़ती होगी, है ना, डिजाइनिंग, प्लानिंग में, राइट। मॉडल शुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस का मॉडल शुड बी प्रिपेयर्ड कि कैसे डेटा का प्रोसेसिंग होगी। इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, चेंजेस, है ना, चेंजेस अगर कोई जो है, कुछ मॉनिटरिंग की बात हम देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट टाइम में, राइट अमाउंट ऑफ डेटा, है ना, इन द राइट फॉर्मेट अवेलेबल करा रहा है या नहीं करा रहा है, एंड इवेल्युएशन तो प्रोसेस ऐसा है, वो चलता रहता है ना, ठीक है, और इवेल्युएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस सिस्टम में होते रहते हैं। सो दीज आर दी स्टेप्स ऑफ ओनली प्रोसेस, राइट। ऑल दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस लाइफ साइकिल। और वैसे जैसे मैंने बताया था आपको, सिस्टम के पूरे डेवलपमेंट में जो भी आपके एप्लीकेशन होता है ना, उसके डेवलपमेंट में तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड SDLC, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसके स्टेप्स ज़्यादा हो सकते हैं, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग से, जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम लोग करते हैं ना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, फिर प्रोग्राम डिजाइन, राइट, फिर कोडिंग, फिर यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, है ना, सिस्टम डिलीवरी, फिर मेंटेनेंस। तो ओवरऑल सिस्टम के जितने फेसेज हैं, दोज आर कॉल्ड, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लेकिन यहाँ पर हम प्रोसेस लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, चेंजेस एंड इवेल्युएशन। तो आप लोग इसको देखो, ठीक है, और क्लास में मैंने इनको खूब सारा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकता है।